गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण यादव, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास थर्ड. सो वी हैव डन चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम यूनिट नंबर 5, द येलो बटरफ्लाई. ओके, नाउ वी विल नो द समरी पार्ट. सो दिस चैप्टर, दिस स्टोरी, द येलो बटरफ्लाई इज स्टोरी अबाउट अ येलो कलर बटरफ्लाई एंड सोनू एंड सोनूज गार्डन. ओके, एंड विच इज़ एडमायर्ड बाई ए किड इन द स्टोरी. एंड दिस किड द सोनू वॉन्ट्स टू कैप्चर द बटरफ्लाई, दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. बट एट द एंड ही इज़ द वन हु सेव्स द बटरफ्लाई. ही सेव्स फ्रॉम द स्पाइडर वेब. कहाँ से बचाता है ये? स्पाइडर वेब से. देन हु सेव्स द बटरफ्लाई फ्रॉम बींग टेकन कैप्चर. सो दैट्स ऑल इन दिस स्टोरी चिल्ड्रन. ओके, नाउ देर आर सम न्यू वर्ड्स वी हैव रीड इन दिस स्टोरी. एस्केप, ई एस सी ए पी ई, एस्केप. एस्केप मीन्स टू रन अवे, किसी से बचना, किसी से बच के भाग जाना, दैट्स कॉल्ड एस्केप. पोंड, पी ओ एन डी, पोंड. पोंड होता है एक तालाब, छोटा सा, जहाँ पे अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर वी कैन से, जहाँ पे पानी की थोड़ी मात्रा हो, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, दैट्स कॉल्ड पोंड. पीच, पी ई ए सी एच, पीच. दिस इज नेम ऑफ अ येलो जूस फ्रूट. ओके, क्लाइंब, सी एल आई एम बी, क्लाइंब मीन्स टू गो अप, किसी चीज के ऊपर जाना, चढ़ना. कैच, सी ए टी सी एच, कैच. कैच मीन्स पकड़ना, टू होल्ड समथिंग दैट हैज बीन थ्रोन, किसी भी चीज को होल्ड करना, दैट्स कॉल्ड कैच. मिडल, एम आई डी डी एल ई, मिडिल. मिडिल मीन्स इट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के बीच में. हंगरी, एच यू एन जी आर वाई, हंगरी. नीड फॉर फूड, भूखा. फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट मीन्स टू मूव स्लोली और लाइटली. शाउट, एस एच ओ यू टी, साउट मीन्स चिल्लाना, किसी पे चिल्लाना. देन चेज, सी एच ए एस ई, चेज मीन्स टू कैच समथिंग, किसी के पीछे भागना. फ्लटर, एफ एल यू टी टी ई आर, फ्लटर मीन्स जो जो इनके विंग्स होते हैं जब ये उड़ती हैं, जब ये जो जब कोई बर्ड्स अपने विंग्स को फैलाता है और फिर उड़ता है, तो दैट्स कॉल्ड फ्लटर. ओके, ट्विस्ट, टी डब्ल्यू आई एस टी, ट्विस्ट मीन्स फॉर्म इनटू अ बेंड, किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करना, मोड़ना. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चंस. वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, टेल मी. जो सोनू था उसने बटरफ्लाई को पहले कहाँ कहाँ देखा? सो सोनू सो द बटरफ्लाई ऑन द रोज फ्लावर, कहाँ पे देखा था? रोज के फ्लावर पे. नेम थ्री प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. सो द बटरफ्लाई रेस्टेड रोज फ्लावर, लोटस फ्लावर एंड देन ऑन द पीच ट्री. थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? आंसर विल बी, सोनू चेज द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड ही वॉन्टेड टू
कैच इट. व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों जाने दिया. सो सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड. क्योंकि वो सोनू के हाथ में सैड दिख रही थी. टॉक टाइम. इफ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट. जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, अगर आप बटरफ्लाई होते और आपको कोई पकड़ लेता तो आपको कैसा फील होता. यू फील गुड और बैड. ऑब्वियसली वी फील बैड. वाई. अगर आई वुड हैव फेल्ट वेरी बैड इफ कॉट. अगर मैं पकड़ी जाती तो मैं तो बहुत ही बुरा फील करती. Why did the butterfly go to the flowers in the garden? So the butterfly went to the flowers in the garden because it sucks nectar from the flower. क्योंकि वो फ्लावर से शहद इकट्ठा करती है. करती है ना बटरफ्लाई. क्या करती है वहाँ से उनका जूस लेके उनका उनसे नेक्टर सक करती है. ओके. एंड दीज क्वेश्चंस आंसर आई विल सेंड यू अ पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप. ओके चिल्ड्रन. नाउ लेट्स राइट. राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू. फर्स्ट देन आफ्टर दिस एंड फाइनली. सो चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और वो आगे पीछे हो रखे हैं तो हमें इन्हें लाइन वाइज इन्हें करना है और इन ये वर्ड्स आएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है. फर्स्ट थर्ड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड. सबसे पहले मैं बेड से उठूँगा. देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव ए बाथ. आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट एंड फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल. ओके. Now next, make two words from one word. One has been done for you. Butterfly. Now there are two words, butter and fly. As you can see, butter and fly. Likewise, we will make these words everywhere. Everywhere. In sight. In sight. Out. Sight. Sun. Light. Okay. So your exercise is over here, children. Okay. I hope you have understand. You have understood these question answers. Okay. So learn the chapter. Learn the question answer. Do your homework, children. Thank you. Have a good day.